वेलकम टू राजा इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 2। चैप्टर नेम इज़ हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क पार्ट 2। इट इज़ ऑन बुक पेज नंबर 22। इनपुट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट वी पुट इन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। वी इनपुट data using various input device, for example keyboard, mouse, scanner. Input data and instruction जो भी computer को दिए जाते हैं, मतलब computer के अंदर store किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं input. We input data using various input device, जो data computer के अंदर input किया जाता है उसके लिए कुछ पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के, जिसके द्वारा हम उसके अंदर डाटा इंस्टोर करते हैं, इनपुट करते हैं। उसके एग्जांपल जो हैं वो है कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। नेक्स्ट प्रोसेस, वर्किंग ऑन डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो हमने इनपुट डाटा दिया है उस पर जो वर्क किया जाता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। The CPU work on data and does all the thinking and calculation. CPU के अंदर पूरा डाटा स्टोर होता है, उसमें जब वो प्रोसेसिंग करता है यानी कि वो जो भी सोचता है, उसमें जो भी कैलकुलेशन क्लियर की जाती है, जो भी फाइल सेव की जाती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसे बोलते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट आउटपुट, आउटपुट मीन्स द फाइनल रिज़ल्ट। आउटपुट का मतलब हम फाइनल रिज़ल्ट यानी कि लास्ट का रिज़ल्ट कह सकते हैं, यानी कि पहले हमने जो इनपुट किया था, डाटा दिया था, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई जो सीपीयू के द्वारा की गई, उसमें सीपीयू ने जो भी सोचा और जो भी कैलकुलेशन की वो क्लियर की, उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट मिलता है तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट। वैन द सीपीयू कम्प्लीट प्रोसेसिंग द डाटा, CPU पूरे डाटा को प्रोसेस करता है, इट गिव्स द आउटपुट, बाद में वो रिज़ल्ट देता है। आउटपुट इज़ गिविंग यूजिंग द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जो भी लिया जाता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमें देखने को बाद में रिज़ल्ट जो मिलता है पूरा काम करने के बाद, जो इनपुट किया था उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट रिज़ल्ट देखने को मिलता है, तो वो रिज़ल्ट हम देखते हैं मॉनिटर पर, प्रिंटर पर एंड स्पीकर पर। लेट्स अस अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल फंक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर पे कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है एंड आउटपुट क्या होता है। फर्स्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर फॉर्म द इनपुट। डाटा और इंस्ट्रक्शन साथ में स्टोर किए जाते हैं यानी इनपुट किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। यहाँ हमने 4 लिया एंड 3 लिया डाटा को, और डाटा जो लिया वो 4 एंड 3 टू पार्ट में लिए, 4 एंड 3, और इंस्ट्रक्शन जो दिए वो हमने दिए मल्टीप्लाई के। क्लियर? नाउ अब सीपीयू विल वर्क ऑन डाटा। सीपीयू वर्क करेगा डाटा पर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी। एग्जाम्पल इट विल मल्टीप्लाई द नंबर 4 एंड 3 प्रोसेस, यानी कि हमने जो डाटा दिया था उनको, पहले इंस्ट्रक्शन दिया, डाटा दिया था हमने 4 एंड 3 का, और इंस्ट्रक्शन दिया था हमने मल्टीप्लाई का, तो 4 मल्टीप्लाई 3 ये प्रोसेसिंग हुई। 12 इज़ द करेक्ट आउटपुट, 12 इज़ द करेक्ट आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करके, 4 थ्री ज़ा जो 12 जो रिज़ल्ट आया हमारा, ये हमको आउटपुट हो गया। क्लियर? हमने इनपुट डाटा जो दिया वो 4 दिया एंड 3 दिया, इंस्ट्रक्शन जो दिया वो मल्टीप्लाई दिया, प्रोसेसिंग जो हुई वो 4 मल्टीप्लाई 3 हुई, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला वो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करके, 4 थ्री ज़ा 12, दिस इज़ आउटपुट। क्लियर? इनपुट देन प्रोसेसिंग देन आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 23, रैप अप। डाटा इंक्लूड्स रॉ
फैक्ट एंड फिगर, डाटा में कोई भी फैक्ट या कोई भी फिगर सब कुछ इंक्लूड होता है। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप, कंप्यूटर 3 स्टेप पर वर्क करता है। कंप्यूटर फॉलो द IPO साइकिल, जो 3 स्टेप्स होते हैं वो IPO साइकिल होते हैं। IPO मीन्स IP मीन्स इनपुट, P मीन्स प्रोसेस एंड O मीन्स आउटपुट। वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, जो भी डाटा दिया जाता है उस पर जो वर्क करता है यानी कि CPU उस डाटा पे इंस्ट्रक्शन पे जो वर्क करता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर द डाटा इज प्रोसेस, और जब रिज़ल्ट पूरा क्लियर होने के बाद हमें वापस डाटा मिलता है पूरा क्लियर होने के बाद उसे बोलते हैं हम आउटपुट। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वी एंटर इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। डाटा इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्लियर, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।